राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में दो शूटर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी चंडीगढ़ सेक्टर 22A में शराब ठेके के ऊपर बने कमरे में छिपे थे। गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की पहचान रोहित गुदारा और नितिन फौजी के रूप में हुई। ये दोनों हत्या के मुख्य गुनहगार हैं। तीसरे आरोपी की पहचान उधम के तौर पर हुई, जिसने दोनों मुख्य आरोपियों को भगाने में मदद की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को राजस्थान पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली है। तीनों आरोपियों को दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया, जहां से पुलिस इन्हें लेकर जयपुर ले गई। रिपोर्ट्स की माने तो गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में से एक रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का उर्गा है। उसने गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की माने तो ये शूटर्स 5 दिन तक पुलिस को चकमा देते रहे। इन 5 दिनों में शूटर्स 4 राज्यों में घूमे, लेकिन एक तस्वीर ने उन्हें पकड़वा दिया। पुलिस के हवाले से वो तस्वीर भी सामने आई है, जो हरियाणा के धारूहेड़ा रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। दरअसल जब वे लोग धारूहेड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचे तो CCTV में उनकी तस्वीर कैद हो गई। प्लान को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी डीडवाना भाग गए और वहां से फिर वे धारूहेड़ा पहुंचे। पहला सबूत पुलिस को धारूहेड़ा से ही बरामद हुआ। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने दिल्ली स्पेशल सेल की मदद ली और दोनों के संभावित ठिकानों का पता लगाने के लिए मोनू मानेसर सहित भोंसी जेल में बंद कुछ कैदियों से पूछताछ की। आरोपी सड़क मार्ग से जयपुर से होते हुए डीडवाना, सुजानगढ़, धारूहेड़ा तक पहुंचे। फिर वे आगे बस से मनाली पहुंचे और वापस चंडीगढ़ के सेक्टर 22 आ गए, जहां वे पकड़े गए। पुलिस की माने तो आरोपियों ने भागने से पहले हथियार छिपा दिए थे ताकि वे कहीं पकड़े ना जा सकें, लेकिन इस दौरान वो मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे। पुलिस आरोपियों तक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पहुंची। जब पुलिस आरोपी के पास पहुंची तो तीनों साथ थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गोगामेड़ी हत्याकांड में नवीन शेखावत की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नवीन गोगामेड़ी हत्याकांड की साजिश में शामिल था, लेकिन शूटर्स ने उसे गोली क्यों मारी, पूछताछ में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। शूटर्स ने पुलिस को बताया कि नवीन शेखावत ने सुखदेव गोगामेड़ी की पूरी रेकी की थी। नवीन ही दोनों शूटर्स को लेकर सुखदेव घर पहुंचा था। हालांकि फायरिंग के दौरान नवीन शूटर्स को रोकने की कोशिश करता रहा, तब हालात कुछ ऐसे बन गए कि उन्होंने नवीन को गोली मार दी। शूटर्स ने बताया कि हत्याकांड की साजिश 1 हफ्ते पहले ही रच ली गई थी, जिसके लिए नवीन ने 30 नवंबर को 5,000 रुपए किराए पर एक कार भी ली थी। 5 दिसंबर 2012 12:30 पर नवीन ये कार लेकर अकेला घूमता दिखाई दिया था। वैशाली नगर स्थित सर्किल के पास महज 2 मिनट लिए कार बंद हुई थी, जिसके बाद दोनों वहां से रवाना होकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर के बाहर पहुंचे। यह सब पुलिस को कार में लगे GPS सिस्टम से पता चला। बता दें कि 5 दिसंबर को दिन दहाड़े बदमाशों ने गोगामेड़ी के घर में घुसकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फिर भाग निकले। गोगामेड़ी को मेट्रो पास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और जिसके बाद से ही बदमाशों की तलाश जारी थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।